जिला अस्पताल का निरीक्षण। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका एवं इन दिनों डेंगू वायरल के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा हर संभव व्यवस्थाएं की जा रही है। वहीं समय समय पर व्यवस्थाओं को परखा भी जा रहा है। इसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद द्वारा जिले के विभिन्न अस्पतालों के साथ ही वृंदावन के जिला संयुक्त चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया गया। वहाँ उन्होंने अस्पताल के डेंगू वार्ड सहित अस्पतालों में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक मरीज के तीमारदार द्वारा अस्पताल में इलाज में लापरवाही आरोप लगाए जाने पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई। वहीं उन्होंने सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता एवं सीएमएस डॉक्टर एस के जैन आदि को व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। अमित राया, समाचार 24। मॉक ड्रिल चल रही है जिसमें कि ये देखा जा रहा है कि जो तैयारियां की गई हैं, अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो उस स्थिति में जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, ऑक्सीजन प्लांट है, वेंटिलेटर्स हैं, उनकी उपयोगिता कितनी हो पाएगी, कितने हम तैयार हैं, दवाइयों की स्थिति है, इन सब का पूरे प्रदेश में आज परीक्षण किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। उसी क्रम में मैं यहाँ आज देखने आया था कि यहाँ की क्या स्थिति है। पहले नौझील में CHC है, वहाँ हम लोगों ने देखा, मेरे साथ जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी रहे, और फिर हम लोगों ने जो ये 100-बेडेड हॉस्पिटल है वृंदावन का, इसको देखा है। सभी जो मशीनें हैं और बाकी चीज़ें हैं सब उपलब्ध हैं, उनकी तैयारी है, लेकिन और ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड की तो एक आशंका है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस इलाके में जो कुछ डेंगू के मरीज हैं, वायरल फीवर का इस समय चल रहा है, तो उनके जो मरीज हैं उनको भी सही उपचार प्राप्त हो, और उसके अलावा जो उसके बचाव के तरीके हैं उन पर भी अच्छी तरह से उसका भी पालन किया जाए, इन सब की समीक्षा की गई है। सर, डेंगू वायरल फैल रहा है, आपने खुद कहा कि डेंगू वायरल फैल रहा है, लेकिन जो तैयारी होनी चाहिए थी जुलाई के महीने में पूरा संचारी रोगों के लिए रोकथाम के लिए एक प्लान तैयार किया गया था, लेकिन उसका नतीजा ये रहा कि अगस्त और सेप्टेम्बर में जो मरीज सामने आए उससे स्थिति पूरे प्रदेश की क्लियर हो गई। नहीं नहीं, ऐसा है कि डेंगू जो है कई राज्यों में है और बरसात के बाद हर साल होता है, और इसको अच्छे तरीके से यहाँ भी एक गांव में शुरू में हुआ था, उसके बाद इन लोगों ने अच्छे तरीके से नियंत्रण किया है और लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है। लगातार 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 बढ़ रहे हैं मरीज डेंगू के।